वेरी हाई टू फेनोमिनल रहने का। तो बिपोर जो वावाजोडु सतत गुजरात तरफ आगळ वधी रह्यु छे। रेनफॉल मोरबी, राजकोट, विन पोरबंदर, ये सारे इलाकों में हो सकता है। और कुल मिला के विंड स्पीड का जो फोरकास्ट दिया गया है, स्ट्रांग विंड रहेगा सौराष्ट्र कच्छ में, इवन गुजरात रीजन में भी विंड स्पीड ज्यादा रहने का संभावना है। रेनफॉल का लोकेशन बेसिकली अभी क्या है? रेनफॉल का लोकेशन पूरे गुजरात को रेन मिलेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन तो पक्का मिलेगा, पूरी गुजरात स्टेट को मिलेगा। लेकिन मोस्टली जो सबसे ज्यादा रेन मिलने का संभावना है, कच्छ, द्वारका, जामनगर, इवन मोरबी को मिल सकता है। एंड वेरी एक्सट्रीमली हैवी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलने का संभावना है। वेरी हैवी, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पोरबंदर, राजकोट, इवन जूनागढ़ में हैवी टू वेरी हैवी रेन होने का संभावना है। और सारे जगहों में आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी रेन लैंडफॉल अभी होने का संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट एंड बिटवीन सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट एंड पाकिस्तान कोस्ट, मुंद्रा से लेके कराची का अंदर में लैंडफॉल होने का संभावना है। अभी 15 तारीख दोपहर को आफ्टरनून तक अभी प्रेडिक्शन किया गया, 15 तारीख नून में लैंडफॉल होने का संभावना है। आज वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, उसका विंड स्पीड रहेगा 125 to 135 किलोमीटर पर आवर। जब वो क्रॉस करेगा गस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर। काफी हुआ है पहले दिन से लेकर अब तक, काफी कव हुआ है ओमान से पाकिस्तान कराची जैन आफ्टर गुजरात, अभी कोई कव होने की संभावना दिखेगी? अभी जो अभी तक मेरा जो फोरकास्ट था अभी अरबियन सी तक था, आज जो फोरकास्ट हम नेक्स्ट 5 दिन के लिए दे रहे, इसमें से अभी जो मूवमेंट उसका नॉर्दर्ली चल रहा था साइक्लोन का, अभी भी मूवमेंट नॉर्दर्ली है। ये नॉर्दर्ली मूवमेंट टिल 14 तारीख सुबह तक रहेगा, 14 तारीख सुबह का बाद मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होने का संभावना है और क्रॉस करेगा सौराष्ट्र कच्छ एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट। आज जो बैठक हुई सीएम की, क्या विशेष चर्चा हुई, सीएम ने क्या सोचा? वो सीएम ब्रीफिंग करेंगे। मैडम, थैंक यू।